सीमा देवी है, सीमा ब्रांड एम्बेसिडर है, सीमा सेलिब्रिटी है, सीमा नरम है, सीमा मलाई में है, सीमा मक्खन है, सीमा मलाई है, इसको रोटी के ऊपर लगाकर खाएं। मैं कहता हूँ क्या चूरन बेचा इस शख्स ने, इसको तो जो है वो कोई मिलना चाहिए, वो क्या कहते हैं ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए जितनी अच्छी अदाकारी इसने की है। सीमा हैदर मामले में श्रीमान एपी सिंह जी कोर्ट की फाइल के अंदर उनके वकील ही नहीं है, उनका कोई वकालतनामा कोर्ट की फाइल पर मौजूद नहीं है और ना ही वो कानून की नजरों में अभी तक फाइल के ऊपर जो उनपे केस चल रहा है उनके वकील बने हैं, आज तक कोई वकालतनामा नहीं दिया गया है। और अब आप देखेंगे इतना बड़ा झूठ, आप इमेजिन करें, एक शख्स वकील ही नहीं है और वो पिछले 6 महीने से पूरी भारत सरकार को, भारत के इदारों को चूना लगा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और उसने क्या चूरन बेचा है। मुझे तो इस बात पे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है, ऑनेस्टली बात है, मुझे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि इस शख्स ने क्या चूरन बेचा है पिछले 6 महीनों में। के जनाब के वकील कोई काला कोट पहन लेने से वकील नहीं बन जाता, शर्त यह है कि उसे वो काम भी आना चाहिए। वकालत का असर हक अदा किया है मोमिन मलिक साहब ने कि जिन्हें एक हफ्ता भी इस केस में अपॉइंट हुए नहीं हुआ और उन्होंने वो कर दिखाया कि जो पूरे भारत में 1 करोड़ वकीलों में से कोई नहीं कर सका। और आप ये देखें कि इससे पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने ये दावे किए, लेकिन हमें तो डे वन से पता था कि अंसार बरनी साहब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है, रोशन अजीम साहब की एफर्ट्स बहुत ज्यादा है और वो ये सारा कलेक्टिव वर्क हो रहा है। हमें तो डे वन से पता था, जब मैंने नाम सुना मोमिन मलिक साहब का तो शुरू में इस बात को बड़ा पॉइंट आउट भी किया, लेकिन जब मैंने इनका गूगल पे जाके प्रोफाइल शेयर किया तो मैंने इनके पास केसेस देखे तो मुझे पता चला कि ये किस पाए के ये वकील है। लेकिन इन्होंने वो प्रूव किया, वो बात को दुरुस्त प्रूव किया, साबित किया उस बात को। देखें ये तो एक तरह की जालसाजी है, फ्रॉड है, चीटिंग है कि आप एक एडवोकेट ही अपॉइंट नहीं हुए, अभी तक किसी फोरम पे आपका वकालतनामा नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है और आप अपने आप को एक एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड एंड चीटिंग और इससे बड़ी धोखासाजी और जालसाजी नहीं हो सकती। और यहाँ से आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि ये कितनी छोटी जहनीत के मालिक है कि फेम की खातिर इन्होंने वकालतनामा दिए बगैर ही अपने आप को उनका वकील कहलाना शुरू कर दिया और इन्होंने फेम की खातिर कितने खुदगर्द आदमी हैं कि इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला कि मेरा नाम मीडिया पे आ जाए, ये केस मुझे मिल जाए। और यहाँ से आप देखेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी तक इनके पास नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। ये बहुत बड़ी एक अपडेट है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज है। जब मोमिन मलिक साहब ने ये वीडियो शेयर की, ऑनेस्टली बात है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी तक पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, कानूनी हिसाब से एज पर लॉ ये किसी सूरत भी किसी फोरम पे अभी तक सीमा हैदर के वकील नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब के वकील हैं या उसके घर के जो अपना है मामला वो वकील है, अदालती मामला में अभी तक ये उनके एडवोकेट नहीं है, क्योंकि किसी फोरम के ऊपर इनका पावर ऑफ अटॉर्नी एक विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और एडवोकेट के दरमियान, जिसके जरिए क्लाइंट जो है वो ऑथोराइज करता है एडवोकेट को टू अपीयर बिफोर द एनी कोर्ट एनी बेंच एनी ट्रिब्यूनल। तो ये इस तरह का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये जो एग्रीमेंट है वो एपी सिंह का साइन नहीं हुआ उसके साथ, और किसी इसके बगैर वो किसी अदालत में पेश नहीं हो सकते, ना उसको अपने आप के तौर पर वकील बता सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस शख्स ने सबसे बड़ा जो चूना लगाया है पूरी भारत कौम को, पाकिस्तान के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को और सीमा हैदर को, वो चूना ये लगाया है कि इसने पिछले 1 साल से अपने आप को सीमा हैदर का वकील बताया है और पूरी मीडिया पे अपना चेहरा चमकाया है, हर जगह पे चेहरा चमकाया है और इसने 1.5 करोड़ भारतीयों को चूना लगाया है, इस तरह का स्टेटमेंट देके। ये तो अभी तक उसका वकील ही अपॉइंट नहीं हुआ और ये मैं इसका क्रेडिट जाता है मोमिन मलिक साहब को। आप देखें कि वो कितनी एफर्ट से, हालांकि वो इस केस में प्रो बोनो है, उन्होंने इस केस में कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, जो अदर डॉक्यूमेंट थे या अदर एक्सपेंस होंगे वो इंसार बरनी ट्रस्ट उसका बर्दाश्त कर रही है सारा, वो क्योंकि इंसार बरनी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं तो वो इस बेस में सारा कर रहे हैं। तो मैं यकीन करें उनकी इन एफर्ट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उसी तरह से काम किया जिस तरह से एक प्रोफेशनल एडवोकेट को, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को करना चाहिए, और उन्होंने चीजों के पीछे जाकर वो चीजें निकाल के हमें ला रहे हैं जो नहीं सकते थे कि ये इतना बड़ा स्कैम, इतनी बड़ी जालसाजी, इतनी बड़ी दो नंबरी इसके छुपी होगी।
वो ये भी कहते रहे हैं कि मैं डेफामेशन के केसेस करूंगा, मिथिलेश भाटी को नोटिस भेजूंगा। ये सारे चीजें जो है अभी तक, ये तो वो मुहावरा का आपने सुना ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है, ये वो हिसाब निकला है, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ठीक है। तो ये बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी निकली है, लेकिन जब बातों को टटोला गया, देखा गया, तो फिर जनाब वो पकौड़े भी नहीं निकले, बल्कि खाली खाली छापर निकला है। तो ये तो पूरी पूरी जालसाजी है, इनके अगेंस्ट पूरी पूरी कार्रवाई होगी भाई, क्यों नहीं होगी। इन्होंने पूरा एक साल लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, जबकि एज पर लॉ किसी स्टेज के ऊपर इनका वकालतनामा नहीं है। और अगर अब वो ने अपना एडवोकेट अपॉइंट भी कर ले, लेकिन वो एक बात नहीं है। लेकिन यहां से एक चीज आप देखें कि इनका ये कितने खुदगर्ज आदमी है। आप देखेंगे इतनी जल्दबाजी में इन्होंने मीडिया पे फोकस रखा, और जो प्रैक्टिकली अपना डॉक्यूमेंट का वर्क पूरा करना था वो काम पूरा नहीं किया, और सिर्फ मीडिया पे इन्होंने बताया कि मैं वकील बन गया हूं। और मेरा ख्याल है कि सीमा हैदर की सबसे बड़ी सजा यही काफी है कि ये उसके वकील हैं, क्योंकि ये इस तरह का जो वकील होता है ना, वो सजाए मौत करवाने के लिए काफी होता है। तो वो अब सीमा हैदर को जो है ना, सजाए 5 साल की सजा करवाने के लिए एपी सिंह ही काफी है। वो एपी सिंह तो है ही कहीं नहीं, ना 3 में ना 13 में, वो तो उसका तो कोई वकालतनामा ही नहीं है। ये बड़ी हैरान कर बात हुई है यार, यकीन करें ऐसा तो कोई 1 साल की प्रैक्टिस वाला वकील भी नहीं करता। और मुझे हैरानगी है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस किसने दिया है। ऑनेस्टली बात है, मैं तो फिर भी इनको बतौर एडवोकेट, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैं पूरी लॉयर कम्युनिटी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। भारत के वकला तो बहुत काबिल वकील हैं, भारत के वकील बहुत काबिल हैं। यकीन करें पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ पे इतना सेक्टेरियन नहीं है, यहाँ पे 4-5 किस्म की जाते हैं, शिया है, सुन्नी है। और जब हमने मैरिज केसेस डिसाइड करने होते हैं, हम क्रिश्चियन से रिलेटेड लॉ को पढ़ लेते हैं, शिया से रिलेटेड लॉ को पढ़ लेते हैं, सुन्नी से रिलेटेड लॉ को पढ़ लेते हैं। भारत में तो बहुत सारी जाते हैं, सिखों से रिलेटेड अलग है, क्रिश्चियन से लेकर अलग है, मुस्लिम से अलग है, इसी तरह से। तो वहां के वकीलों के पास नॉलेज ज्यादा है, और वहां के वकीलों को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट का वकील होना एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी किताबें पाकिस्तान में रतनलाल और अग्रवाल की लॉ ऑफ टॉट पढ़ाई जाती है, यहां पे पढ़ाई जाती है। तो मैं तो बतौर एडवोकेट इनका रिस्पेक्ट करता था कि चले कोई बात नहीं, छोटा मोटा ही सही वकील तो है, चलो वकील भाई तो है। लेकिन आज मैं हैरान हुआ हूं कि इनका पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, और ये सीमा के चक्कर में इतने दीवाने, इतने पागल हुए हैं कि इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट वर्क भी पूरा नहीं किया और अपने आप को वकील कहना शुरू कर दिया। सीमा देवी है, सीमा ब्रांड एम्बेसिडर है, सीमा सेलिब्रिटी है, सीमा नरम है, सीमा मलाइम है, सीमा मक्खन है, सीमा मलाई है, इसको रोटी के ऊपर लगाकर खाएं। मैं कहता हूँ क्या चूरन बेचा इस शख्स ने, इसको तो जो है वो कोई मिलना चाहिए, वो क्या कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए जितनी अच्छी अदाकारी इसने की है। और अब आप देखेंगे इतना बड़ा झूठ, आप इमेजिन करें, एक शख्स वकील ही नहीं है, और वो पिछले 6 महीने से पूरी भारत सरकार को, भारत के इदारों को चूना लगा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और उसने क्या चूरन बेचा है। मुझे तो इस बात पे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है। ऑनेस्टली बात है, मुझे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि इस शख्स ने क्या चूरन बेचा है पिछले 6 महीनों में। के जनाब के वकील कोई काला कोट पहन लेने से वकील नहीं बन जाता, शर्त यह है कि उसे वो काम भी आना चाहिए। वकालत का असर हक अदा किया है मोमिन मलिक साहब ने, कि जिन्हें एक हफ्ता भी इस केस में अपॉइंट हुए नहीं हुआ, और उन्होंने वो कर दिखाया कि जो पूरे भारत में 1 करोड़ वकीलों में से कोई नहीं कर सका। और आप ये देखें कि इससे पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने ये दावे किए, लेकिन हमें तो डे वन से पता था कि अंसार बरनी साहब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है, रोशन अजीम साहब की एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, और वो ये सारा कलेक्टिव वर्क हो रहा है। हमें तो डे वन से पता था, जब मैंने नाम सुना मोमिन मलिक साहब का, तो शुरू में इस बात को बड़ा पॉइंट आउट भी किया, लेकिन जब मैंने इनका गूगल पे जाके प्रोफाइल शेयर किया, तो मैंने इनके पास केसेस देखे, तो मुझे पता चला कि ये किस पाए के ये वकील है।